गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम आपका एक पार्ट देख लिया था इस चैप्टर का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए थे लैंड एक्विजिशन, रिसोर्सेज प्लानिंग वगैरह हमने देख ली थी, ये सब हमने देख लिया था। रिसोर्स कन्वर्सेशन हमने देख लिया था, ठीक है। गांधी जी आइडिया हमने चेक कर लिए थे। लैंड एक्विजिशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लार्ज स्केल सोइल इरोजन कॉज बाय रनिंग वाटर एंड विंड। सोइल इरोजन होता है मृदा का कटाव, मिट्टी का जो कटाव होता है वो किस कारण से होता है? रनिंग वाटर, जब कभी फ्लड आती है रिवर्स के नदियों पानी के द्वारा सोइल इरोजन होता है। सेकंड होता है विंड, जब फास्ट विंड चलती है, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जाती है, जिससे कि सोइल इरोजन होता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो वेस्ट मटेरियल्स उनको डंप करना, जो कि माइनिंग सेंटर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलता है, उससे भी लैंड जो है उससे डिग्रेडेशन होता है। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सेलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सोइल। ओवर इरिगेशन, इरिगेशन होता है सिंचाई, ओवर मीन्स अत्यधिक सिंचाई करने से भूमि में इंक्रीजमेंट हो जाती है किसकी, सेलिनिटी, खारापन बढ़ जाता है एंड एल्कलिनिटी, क्षारीयता बढ़ जाती है मिट्टी में। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफोरेस्टेशन बाय मैन। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा ज्यादा चराई और वनों का कटाव, मेंस के द्वारा, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये कोजेस बता रखे हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पोल्यूट द लैंड्स। जो वेस्ट वाटर होता है इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलता है, उससे की भूमि भी पोल्यूट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज वगैरह में वाटर को गर्म करके कुछ काम किया जाता है, देन जो वेस्ट वाटर होता है उसको विदाउट ठंडा किए हुए ऐसे ही भूमि पे डाल देते हैं, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसमें ग्राइंडिंग, पीसा जाता है लाइमस्टोन को, चूना पत्थर को जो पीसा जाता है, तो उससे क्या डस्ट उड़ती है। एंड सोप स्टोन फॉर सीमेंटिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट। और इससे कि सोप स्टोन, जो सोप स्टोन होती है जहाँ पे सेरेमिक इंडस्ट्रीज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट, जो चूना पत्थर पीसा जाता है या जो मृदा में जो चूना चीनी मिट्टी है उसको पीसा जाता है, तो इससे क्या है, लॉट ऑफ डस्ट जमा हो जाती है। दिस डस्ट इज डिपॉजिट इन नेबरिंग लैंड। और ये जो डस्ट है ये मिट्टी के ऊपर जमा हो जाती है, जिससे कि जो वाटर है, जो सोइल की एक स्पेशलिटी होती है कि वो वाटर को सोख लेती है धीरे धीरे, बट अगर ये एक डस्ट यहाँ पे जम जाती है मिट्टी के ऊपर, तो उसकी जो सोखने की क्षमता है मिट्टी की वो बहुत ही कम हो जाती है। अब लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, अब हम लैंड को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफोरेस्टेशन। सोइल इरोजन मतलब मिट्टी के कटाव को हम प्रिवेंट रोक सकते हैं, इसके द्वारा वनों के कटाव को रोक करके, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कंट्रोल करके, एनकरेजिंग एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा वनों को लगा करके, पेड़ पौधे लगा करके, प्रैक्टिसाइजिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग को प्रैक्टिसाइज करके, प्रिपेशन ऑफ शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स होती हैं कि जैसे कोई भूमि का टुकड़ा होता है उसके चारों तरफ, जिस साइड से चारों तरफ बहुत ज्यादा पेड़ों की श्रृंखला लगा देना, शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स। एंड स्टेबिलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोनी बुशेस विल हेल्प टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन डेजर्ट्स। जो डेजर्ट्स एरिया है वहाँ पे बहुत हॉट विंड चलती है और बहुत फास्टली चलती है, तो जो विंड है वो भी सोइल इरोजन का मेन रीजन होता है, तो वहाँ पे थोनी बुशेस झाड़ियाँ लगा करके, हम कटीली झाड़ियाँ लगा करके सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड, और जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं, क्रिया है, उनको हम कंट्रोल करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस वेस्टेज कैन बी अडोप्टेड। न्यू टेक्नोलॉजी हमें अडोप्ट करनी चाहिए, जिससे कि जो रिड्यूस वेस्टेज है उसको हम सही से खत्म कर सके। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेज। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेज। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो मेन्यूर। अर्बन वेस्ट शुड, बायोगैस वगैरह है उसको यूज होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, अब देखते हो कैसे यूज करते हैं। ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मैथड्स ऑफ इरीगेशन। ओवर इरीगेशन को स्टॉप करना चाहिए और सिंचाई के नए नए मैथड्स को अडोप्ट करना चाहिए। सोइल एज अ रिसोर्स, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सोइल। सोइल को किसे कहा जाता है, मिट्टी, जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, जो अर्थ की क्रस्ट है उसके ऊपर जो लूज है, ब्रोकन, टूटी फूटी और यूजफुल जो प्लांट्स के लिए है, उसे सोइल कहा जाता है। सोइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर सच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमंस, बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स। ठीक है, नए मिनरल्स भी होते हैं जैसे सैंड एंड क्ले।
सोइल इज फॉर्म मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सोइल वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग अ लेयर ऑफ लूज रॉक मेटेरियल इज फॉर्म ऑन द लैंड सर्फेस. इफ दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये लेयर अनडिस्टर्ब रहती है एक लंबे टाइम तक, केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टू प्लेस इन इट. दी चेंजेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल. एक लंबे समय तक केमिकल फिजिकल ऑर्गेनिक चेंजेस उसमें होते रहते हैं जिससे कि ये चेंज हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ सोइल में. आगे है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस. ये जो फैक्टर्स बताए गए हैं कि जो कि सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट. क्लाइमेट डिसाइड्स द रेट ऑफ वेदरिंग एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन. सेकेंड है टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड्स द एक्युमुलेशन ऑफ सोइल. ये इसका परिणाम है टोपोग्राफी. नेचर ऑफ पेरेंट रॉक वेजिटेशन, ये आपके आपके फैक्टर्स बताए हुए हैं. टाइप्स ऑफ सोइल्स, देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सोइल्स, एलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट, डेजर्ट और माउंटेन सोइल. आगे देखिए एलुवियल सोइल है ये. एलुवियल सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सोइल फाउंड इन इंडिया. बहुत ही फर्टाइल होती है और ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है. नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज्यादा मिलती है ये. इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कोल्ड एल्यूमिनियम बाय द रिवर्स. रिवर्स के सिल्ट के द्वारा ही बनती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में सिंधु नदी है, गंगा नदी है, वो बह करके आती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती है. इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स. ईस्ट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ईस्ट इज डिवाइडेड इन टू खादर एंड बांगर. ठीक है, न्यू एलुवियल, ओल्ड एलुवियल. जो खादर है ये न्यू एलुवियल है और जो बांगर है ये ओल्ड है. ठीक है, जो रिन्यू नहीं होती, खादर रिन्यू होती है. इट कंटेन्स सोइल में न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम. सो इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस एंड वीट. अब देखिए डिफरेंस है खादर एंड बांगर में. बांगर जो है वो ओल्ड सोइल होती है और खादर न्यू एलुवियल सोइल है. बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इट कम्पोज ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सोइल. दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, दे रिजेम्बल टेरेसेस. द सोइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकर एंड कम्पोज ऑफ कैलकरस डिपोजिट्स. देखिए ये बांगर है ये ओल्ड है बिकॉज रिवर्स का जो वाटर है वो एवरी ईयर नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से पुरानी रहती है, नई मिट्टी के ऊपर नहीं आ पाती है तो इतनी फर्टाइल नहीं होती. खादर है. फ्लड प्लेन्स फॉर्म बाई यंगर एलुवियल आर कॉल्ड खादर. द सोइल इन दिस रीजन इज रिन्यू एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल. एवरी ईयर रिन्यू होगी तो इससे बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. नदियों का पानी आता है तो इससे जो पुरानी मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, ऐसे करके फर्टाइल होती है. दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. और ये जो रीजन है ये वेरी सुटेबल, जो गहन कृषि है उसके लिए बहुत ही सुटेबल है. आगे देखिए ब्लैक सोइल दी हुई है जो कि सरसों के लिए बहुत ही फेमस है. आल्सो नोन एज रेगुर सोइल. ब्लैक सोइल को रेगुर सोइल भी कहा जाता है. रेगुर सोइल मीन्स कॉटन, बेस्ट सोइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन. कपास के लिए बहुत ही बेस्ट सोइल है. मोस्ट ऑफ द डक्कन इज ऑक्यूपाइड ब्लैक सोइल. जो डक्कन है वहाँ पे मोस्टली ब्लैक सोइल पाई जाती है. हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसमें जो वाटर है वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ब्लैक सोइल में. सोइल इज स्टिकी व्हेन वी वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड. ये बहुत ही स्टिकी हो जाती है जो भी वेट और ड्राई हो जाती है, वेट एंड श्रिंक. सेल्फ प्लगिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सोइल इज एट इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड. और जो मिट्टी काली मिट्टी आप देखते हो जो भी सूख जाती है तो उसमें सेल्फ कहीं कहीं पे क्रैक्स पड़ जाते हैं. तो ठीक है, सेल्फ प्लगिंग हो जाती है इसमें, इसकी विशेषता है. ये रिच होती है किसमें, आयरन में, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. कलर डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक. इट इज मेनली फाउंड इन द डक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. कहाँ कहाँ मिलती है ये देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. रेड सोइल देखिए, दिखा रखी है आपके यहाँ भी रेड सोइल है, मैंने देखा है मोस्टली एमपी में भी थोड़ी थोड़ी है. सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज. लो रेनफॉल एरियाज में मिलती है. पोरस फेरिएबल स्ट्रक्चर होता है. अब्सेंस ऑफ इसमें लाइम, कंकर, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट. डेफिशियंट इन लाइम, फास्फोरस, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास. कलर होता है रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो. टेक्सचर सैंडी और टुकले एंड लोमी होती है ये. वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एटसेट्रा आल कल्टिवेटेड. रेड सोइल में ये सब लगाया जाता है, ये क्रॉप ग्रो की जाती है और ये मेनली कहाँ मिलती है रेड सोइल, देखिए तमिलनाडु,
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, देखिए कोस्टल एरियाज हैं ये। लेटराइट सोइल, देखिए इसे थोड़े थोड़े कंकड़ दिख रहे हैं आपको। नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक्स, हमने देखा इसका मतलब क्या है, ब्रिक ईट। बिकम सो सॉफ्ट वैन वेट एंड सो हार्ड वैन ड्राइड, जो वेट होती है तो सॉफ्ट होती है और जो ड्राई हो जाती है तो बहुत ही हार्ड हो जाती है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये उन एरियाज में मिलेगी जहाँ टेम्परेचर हाई होगा और रेनफॉल भी हाई होगी। फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल, ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ दिस सोइल विल बी रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया एंड इट इज हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, दैट ह्यूमस कंटेंट इन स्लो रिच इन, देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम। डेफिशिएंट में नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस, कलर रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। राइस, रागी, शुगर केन, गन्ना, कैश्यू नट्स एंड कल्टिवेटेड मेनली, यहाँ पे सब लगाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में। इट इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड कैश्यू नट्स। इट इज फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आसाम। एरिड सोइल है ये, सीन अंडर एरिड एंड सेमी अंडर कंडीशंस, डिपॉजिट मेनली बाई विंड एक्टिविटीज, हाई साल्ट कंटेंट, लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इन हाई, विच रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, टेक्सचर सैंडी होता है, कलर रेड टू ब्राउन, फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। ये फॉरेस्ट सोइल है, फॉरेस्ट सोइल्स आर फॉर्म इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशियंट रेनफॉल इज अवेलेबल। द सोइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म, लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। इट इज स्नो बाउंड एरियाज ऑफ द हिमालयाज, दे एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। द सोइल फाउंड इन लोअर वैलीज आर फर्टाइल। अभी देखिए सोइल इरोजन है, ये देखिए मिट्टी का कटाव हो रहा है, पानी की वजह से है ये सारा कटाव। रिमूवल ऑफ टैप सोइल, ऊपर की सोइल को रिमूव हो जाती है वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे, नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सोइल इरोजन। इट इज कॉल्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल सोइल इरोजन। टू टाइप्स, गिली इरोजन एंड शीट इरोजन। गिली इरोजन पानी की वजह से, द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स, जो अनइवन उबड़ खाबड़ जगह होती है लैंड पे तो वहां पे पानी इकट्ठा होके चलता है एज ए गुली, नाली के जैसे। अवे द सोइल एंड फ्रॉम डीप चैनल्स आर कॉल्ड गुलीज। दिस टाइप ऑफ सोइल इरोजन इज कॉल्ड गुली इरोजन। अ लैंड विच इज ब्रोकन इन टू मैनी स्मॉल पार्ट्स बाय द गुलीज इज कॉल्ड बैड लैंड। अ बैड लैंड इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये देखिए गुलीज दिखा रखा है तो यहाँ पे कैसे एक्टिविटीज होंगी कल्टिवेशन की। सीट इरोजन ही दिखा रखा है, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, द वॉटर टेक्स अवे द टॉप सोइल, द टाइप सोइल इज कॉल्ड सोइल इरोजन। देखिए ये सोइल कंजर्वेटर है, कंट्रोल प्लगिंग आप कर सकते हो। देन टेरिस फार्मिंग, देखिए टेरिस फार्मिंग की पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई है, टेरिस कल्टीवेशन इज सोइल इरोजन। आगे देखिए, आगे आपका शेल्टर बेड दिखाया हुआ, देखिए एक कतार में कैसे पेड़ लगा दिए गए, इट मीन्स यहाँ से विंड आएगी तो वो कैसे पास होगी, इट मीन्स ये मिट्टी कटाव को रोकेगी। इधर भी देखिए दैट शेल्टर बेल्ट हो गया। ओके, थैंक यू।